जिला कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान दिवस मनाते हुए निकाली तिरंगा यात्रा। 20 मार्च को ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया था पद से इस्तीफा। नवनियुक्त युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष अनुज मल्होत्रा ने निकाली आभार रैली। भाजपा जिला अध्यक्ष का पुष्पमाला पहनाकर जताया आभार। सहज योग की प्रणेता माताजी निर्मला देवी के जन्मोत्सव के अवसर पर जारी है 3 दिवसीय सहज योग महोत्सव। देश भर से आए सहजयोगी। और रंगपंचमी महोत्सव के भव्यता प्रदान करने शुरू हुई तैयारियां। 22 मार्च को राम मंदिर में पूजन अर्चन के बाद निकलेगी गैर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 15 वर्ष बाद हुए सत्ता परिवर्तन से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यों को शुरू ही किया था कि मात्र 15 माह में कुछ विधायकों के असंतोष के कारण 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 20 मार्च को यह दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान दिवस मनाते हुए जिला मुख्यालय सहित छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक विकासखंड में तिरंगा यात्रा निकाली। जिला कांग्रेस के सानिध्य में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में शहर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, कामगार प्रकोष्ठ, एससी प्रकोष्ठ और जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। दारू मिल रही है, डीजल महंगा, दूध ज्यादा महंगा, दारू मिल रही है, सट्टा खिलाओ। कांग्रेस के अध्यक्ष हेमला में आके भी, एनएसयूआई के अध्यक्ष अजय ठाकुर जी, सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण यहाँ पर है। आज वो काला दिन है जब माननीय कमलनाथ जी की वोटों के दम पर चुनी गई सरकार को वोटों के दम पर गिरा दिया गया था। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक एक माननीय कमलनाथ जी की जनता के द्वारा आज लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस मैदान में ये तिरंगा यात्रा लोकतंत्र के सम्मान में है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 20 मार्च का वो दिन जिस दिन माननीय कमलनाथ जी ने लोकतंत्र बचाने के कारण इस्तीफा दिया था। कमलनाथ जी ने 20 मार्च 2020 को लोकतंत्र के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण जो खरीद फरोख्त हुई थी, उन्होंने लोकतंत्र के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। निश्चित ही मैं इस अवसर पर छिंदवाड़ा जिले में सहित पूरे प्रदेश में आज लोकतंत्र सम्मान पूरी गांव गांव शहर शहर की यात्रा निकाली गई है। निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं आने वाला समय माननीय कमलनाथ जी का है। 2023 में फिर कमलनाथ जी पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। आप सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मार्च 2020 को हमारे छिंदवाड़ा के अपार जन समूह के वोटों से चुनी गई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने नोटों के दम पर गिरा दिया। पूरा तमाशा मध्य प्रदेश के लोगों ने, छिंदवाड़ा के लोगों ने देखा। आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है। कमलनाथ जी भी पैसों के दम पे सरकार बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान किया और इस्तीफा दे दिया। लेकिन छिंदवाड़े को मुख्यमंत्री न होने के जो दुष्परिणाम है वो अभी बजट में दिखाई दिए। मेडिकल कॉलेज का काम बंद, गारमेंट फैक्ट्री का काम बंद,
रेल लाइन का काम बंद, आरओबी ओवर ब्रिज का काम बंद, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं, महंगाई बढ़ रही है। इन सब विरोधाभासों को देखते हुए कांग्रेस ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। हम सब कांग्रेसियन एक बार पुनः संकल्प लेते हैं कि हम 2023 में माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व में फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अनुशंसा पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला द्वारा छिंदवाड़ा नगर मंडल के युवा कर्मठ कार्यकर्ता अनुज मल्होत्रा को युवा मोर्चा के नगर मंडल 2 में अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा आज स्टेशन हनुमान मंदिर में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पूजन अर्चन कर आभार रैली का शुभारम्भ किया गया, जिसके पश्चात समस्त युवाओं द्वारा युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर विवेकानंद उद्यान पहुंचकर माल्यार्पण किया गया एवं मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला के निवास पर नवनियुक्त युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुज मल्होत्रा का आतिशबाजी कर एवं मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात युवा मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के परासिया रोड स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां पर सभी ने भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन कर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोनीत करने हेतु धन्यवाद प्रेषित किया गया। पिछले दिनों हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा में नगर मंडलों की नियुक्ति हुई है। पूरे जिले के 33 मंडलों में से 29 मंडलों में हमारे मंडल अध्यक्ष बने। उसी कड़ी में छिंदवाड़ा नगर एक मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष भाई बिट्टू मंडरा और छिंदवाड़ा नगर मंडल के 2 के अध्यक्ष भाई अनुज मल्होत्रा, इनकी नियुक्ति हुई है। मैं इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरीके से इनके साथ युवाओं की टीम है, निश्चित तौर पर जब बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी को इन लोग को लेकर के बड़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हमारा जिले का मुख्यालय है छिंदवाड़ा, और इन मुख्यालय होने के कारण इन लोग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवा साथियों को, चाहे बूथ स्तर में हो, चाहे वार्ड स्तर में हो, चाहे मंडल स्तर में हो, कितनी बड़ी संख्या में युवा साथियों को जोड़ सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे और पार्टी की अपेक्षाओं में खड़े उतरेंगे। और मैं इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ सहजयोग की प्रणेता माताजी निर्मला देवी के 99वें जन्मोत्सव पर छिंदवाड़ा व लिंगा में 3 दिवसीय सहजयोग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से सहजयोगी शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा आए हैं। सहजयोग प्रणेता श्री माताजी निर्मला देवी ने छिंदवाड़ा की इस पावन भूमि पर 21 मार्च 1923 में जन्म लिया था। श्री माताजी ने सहजयोग ध्यान की वैज्ञानिक विधि 5 मई 1970 को आरंभ की और पूरे विश्व में 140 से अधिक देशों में सहजयोग का विस्तार किया। साथ ही भारतीय संस्कृति, भारतीय देवी देवताओं, भारतीय वेशभूषा को पूरे विश्व में फैलाया। छिंदवाड़ा आए सहजयोगियों ने माताजी की जन्मस्थली का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। का जन्मदिन
21 मार्च 2022 का 99वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे ज़िले की अनुसूया बहन जो आजकल वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है, वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शाम 7 बजे पधार रही है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास में पूरे भारत भर से काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से हमारे पास में बहुत सारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। और चूंकि ये हमारा शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ने वाला कदम है, 21 मार्च से हम शताब्दी वर्ष का एक वृद्ध स्तर पर प्रोग्राम मनाएंगे जो पूरे वर्ष चलेगा, उसकी डिटेल हम आप लोगों को और भी आगे शेयर करेंगे। जय श्री माता। परम पूज्य माता जी का 99वें जन्म दिवस महोत्सव, हम सभी लोग पूरे देश से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि विदेश की फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, तो रशिया, यूक्रेन और अफ्रीका की कई फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। इस कारणवश इस बार विदेशी सहयोगी भाई बहन यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे लोग पधारे हुए हैं और लगभग आज की तारीख में 10,000 से ऊपर सहयोगी लिंगा में आ चुके हैं। 21 तारीख को जो माता जी का जन्म दिवस यहाँ पे महोत्सव मनाया जाने वाला है, उसके लिए ये मान के चलिए लगभग 15,000 से ऊपर सहयोगी यहाँ पे एकत्रित होंगे लिंगा में, और बहुत ही हर्ष उल्लास से यहाँ कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। आज शाम को यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूया उइके जी भी पधार रही हैं। इस कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है, रात भर यह महोत्सव चलेगा और कल के दिन हम लोग ठीक 12 बजे जब माँ ने जन्म दिया था, सहयोग प्रदान करने वाली इस विश्व को, उनका जन्म 12 बजे छिंदवाड़ा में हुआ था, इसका जन्मदिन महोत्सव कल ठीक 12 बजे से हम लोग यहाँ पर। आप सभी को आमंत्रण है कि आप जरूर छिंदवाड़ा की जन्मस्थली में आके यहाँ पे माता जी के दर्शन जरूर करें, छिंदवाड़ा वासी, वो बहुत अच्छा हो। रंगपंचमी महोत्सव समिति द्वारा 22 मार्च को रंगपंचमी कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने हेतु तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 22 मार्च को सुबह 11 बजे श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में पूजन अर्चन के साथ रंगपंचमी महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें इंदौर की तर्ज पर गैर निकाली जाएगी। रंग गुलाल खेलते हुए होली के हुलियारे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा स्थल के पास पहुंचेंगे, जहां रंग पंचमी के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समिति सदस्यों ने कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु सहयोग की अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं, छिंदवाड़ा में पहली बार रंग पंचमी का विशाल महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हम सभी छिंदवाड़ा वासियों से आवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इस आयोजन में इंदौर से ज़्यादा अच्छे से शामिल हों, क्योंकि हम भी इसे इंदौर से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वाटर कैनन रहेंगी, गुलाल की कैनन रहेंगी, बहुत सारे गुलाल के पटाखे हुए, बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो आज तक छिंदवाड़ा में नहीं देखी। हमारी सबसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होकर मंगलवार सुबह 12 बजे छोटी बाजार से शामिल हो, मानसरोवर में इसका समापन होगा और सारी व्यवस्थाएँ मानसरोवर में की गई हैं। महिलाओं के लिए बहुत उचित व्यवस्था की गई है, उनके लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहाँ महिलाएँ खड़ी रहेंगी वहाँ बाकी अगर सीटें एंट्री नहीं रहेगी, ऐसा भी का ध्यान रखा गया। आसमान में गुलाल चलाया जाएगा। ये जो कैनन है, ये एक्चुअल रंग और गुलाल पूरा हवा में रहेगा, ये पिचकारी वाला सिस्टम नहीं है, पूरा हवा में रहेगा। ये छिंदवाड़ा के लिए बहुत नई चीज़ है।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कमलनाथ सेना 22 मार्च को शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर विशाल मशाल रैली निकालेगी। युवा हाथों में जलती हुई मशाल रैली लेकर शहर में निकलेंगे। रैली का यह 17वां वर्ष है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एवं शहीदों की याद में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस मशाल रैली में कमलनाथ सेना के प्रमुख विनय राजपूत ने आमजन मानस से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की याद में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर 22 मार्च को कमलनाथ सेना की विशाल मशाल रैली। मशाल रैली का यह 17वां वर्ष है। मशाल रैली शाम 6 बजे 22 मार्च को शाम 6 बजे छोटे तालाब से प्रारंभ होगी, जो पुराना पावर हाउस छोटी यार गोलगंज मेन रोड होते हुए शहीद स्मारक पहुँचेगी। यहाँ शहीदों को भव्य श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मशाल रैली विशेष रूप से लगातार विश्वनाथ ओखले जी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष आदरणीय रेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जामा विधायक आदरणीय सुनील उइके जी, पांडवपुरा विधायक नीलेश उइके जी, मौसर विधायक विजय चौरे जी, चौरे विधायक सुजीत चौधरी जी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण रैली में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मैं शहर के गणमान्य नागरिकों से, युवाओं से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दें। महाराणा राजपूत भवन में आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना छत्रानी इकाई के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की सदस्य व पदाधिकारी महिलाएं शामिल हुईं। सेना छत्राणी सभी महिलाएं एकत्रित होकर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें राजपूत समाज की सभी महिलाएं एकत्रित हुई है। इससे हमारा कार्यक्रम भव्य और अच्छा होगा। जय भवानी। जिला हॉकी संघ के तत्वाधान में पुलिस ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में आज फ्रेंड्स क्लब व क्रिश्चियन क्लब के बीच मुकाबला सम्पन्न हुआ। मैच के शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारी बढ़िया बेस्ट अपना बड़ा अच्छे से खेलो सब लोग। जिला हॉकी संघ के तत्वाधान में आज यहां पर पुलिस ग्राउंड में, स्थानीय पुलिस ग्राउंड में, जिला हॉकी संघ के समस्त पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज हमारे शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठों की उपस्थिति में ये मैच संपन्न होने जा रहा है। फ्रेंड्स क्लब और क्रिश्चियन क्लब के बीच में अच्छा मैच यहाँ हो रहा है। मैं हॉकी संघ के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही खेल का प्रोत्साहन, खेल खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते रहें और छिंदवाड़ा में खेल प्रतिभा को जितनी ज़्यादा उभार सकते हैं उभारें।
पाल समाज की एक विशेष बैठक का आयोजन आज स्थानीय आईपीएस कॉलेज में किया गया, जिसमें सामाजिक सदस्यों ने होली पर्व की खुशियां मनाते हुए सभी को तिलक लगाकर पर्व की बधाई दी। इस बैठक में पाल समाज के भवन निर्माण हेतु चर्चा कर जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी। बोल दूं क्या आगे का? जीजा है आपके लिए ना एक बार दोनों काम कर रहे हैं। जीजी चला है। आपका दे देंगे जवाब। हाँ। हाँ। काकू आप कुछ कहेंगे? काले लोग। जिला पाल समाज के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा हमारे भवन निर्माण हेतु और भूमि भवन की व्यवस्था हेतु 51,000 रुपए की घोषणा की गई है। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। हमारे श्याम जी पाल हमारे दमुआ वाले, इनकी तरफ से 21,000 रुपए की घोषणा की गई है। तालियों से स्वागत करता हूँ। और इनके अध्यक्ष हैं पाल समाज के, उनके द्वारा 11,000 की भी घोषणा की गई है और 21,000 रुपए और बाद में का। और हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे सम्मानी वरिष्ठ सदस्य, हमारी जो आधारभूत स्तंभ है हमारे पाल, आज इंदिरा पी दसवीं महाविद्यालय फरासी रोड छिंदवाड़ा में जिला पाल समाज संगठन की कार्यकारिणी की विशेष बैठक रखी गई, जिसमें होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी युवा संगठन के सदस्य एवं जिला वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक दूसरे को गले मिलकर और तिलक लगाकर होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई दी। साथ ही एक नई कार्य योजना आज से प्रारंभ की गई है कि जिलापाल समाज का जो भवन निर्माण और भूमि की जो व्यवस्था की बात बहुत दिनों से चल रही थी वो आज पूर्ण होते नजर आ रही है। और सभी जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और समाज के लोग हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर आज घोषणाएं की है और ज्यादातर लोगों ने 21,000, 11,000, 51,000 रुपए देकर पाल भवन का जो समाज का 1,00,000 तक की घोषणा की है कुछ सदस्यों ने। और हमारे पाल समाज का भवन बहुत जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और हम समस्त जिले के पाल समाज के सदस्यों से निवेदन करते हैं कि वे सामाजिक संगठन से जुड़े और अधिक से अधिक संख्या में हमारी जो मीटिंग है और कार्यक्रम में उसमें उपस्थित होकर भाग लें और समाज का भवन निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद माता। आज पाल समाज की हमारी होली संबोर में सबरे अपना सम्मिलित हुए पाल समाज के, और जिन्होंने आज अपने भवन निर्माण के लिए उन्होंने मेरे को कार्य सौंपा है कि भवन निर्माण का अध्यक्ष मुझे सौंपा गया है, जिसमें मैंने आज उनको अवगत करवाया कि अपन भवन निर्माण के लिए एकत्रित होकर और भवन निर्माण खजरी ग्राम पंचायत खजरी वार्ड नंबर 1 गाडरी ढाना में हम भवन निर्माण का हमने गठित किया। आपका नाम बताइए। राजेश पाल बाबा जी, ग्राम खजरी गाडरी ढाना। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप स्टेडियम ग्राउंड में बैडमिंटन हॉल में खेली जा रही है। चैंपियनशिप के चौथे दिन खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन हेतु आनंद बख्शी, इंद्रजीत सिंह बैस, डॉक्टर अनिल जैन, दीपक राज जैन सहित बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के फाइनल मैच 21 मार्च को शाम 4 बजे खेले जाएंगे, जिसके बाद पुरस्कार वितरण के साथ प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। आज जूनियर वर्ग व महिला डबल्स के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। सभी उपस्थित सर्वप्रथम तो आपको सभी को होली की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और मेरा सभी से अनुरोध है, निवेदन है, सभी छोटे बच्चे हैं कि जो भी अगर हारते भी हैं तो लगातार खेले। यह नहीं है कि हार गए तो निराश नहीं होना। आदमी जब तक हारता खेलता नहीं है तो उसका नहीं सीखेगा। वो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि वो लगातार प्रैक्टिस करें, पानी को तो सीखें। मैं हर बार बोलता हूँ, यहाँ पानी की शिकायत है। छिंदवाड़ा के संदर्भ में और देश के संदर्भ में बैडमिंटन को लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बैडमिंटन की कोई पहचान ही नहीं थी। दीपिका पादुकोण को सारी दुनिया जानती है। बच्चे किसी से भी पूछ लो कि दीपिका पादुकोण कौन है, आपको बता दे। लेकिन बैडमिंटन का झंडा किसने देश में रोशन किया, वो दीपिका पादुकोण के पापा हैं, प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने पहली बार
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, जब प्रकाश पादुकोण ने वो प्रतियोगिता जीती, मुश्किल से 12-13 साल का था, और तब हमको बैडमिंटन के प्रति रुझान पैदा हुआ कि ऐसा भी कोई खेल होता है, हिंदुस्तान के लोगों ने जाना। आज का दिन तो बैडमिंटन के लिए बहुत ही जोरदार है। जावेद भाई, इंद्रजीत भाई हमारे खेल प्रमोटर हैं, सब खेलों में इनका योगदान है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो पुलेना गोपीचंद है हमारे कोच, उनकी बेटी गायत्री गोपीचंद वो अभी खिताब जीत गई है सेमीफाइनल में। मैं टीवी देख रहा था यहाँ आने के पहले, न्यूज में चल रहा था कि गायत्री गोपीचंद अपना मुकाबला जीत। कामना करता हूँ कि सबके जीवन में खुशियों के रंग झूलेंगे। कामना करता हूँ कि चाहे आदेश के रूप में या राहुल के रूप में, अन्य खिलाड़ी जो अभी अखबारों में नाम पढ़ते हैं उनके रूप में, जितने लोग नाम रोशन कर रहे हैं हम उन सबके लिए शुभकामनाएं करते हैं। परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे छिंदवाड़ा जिले से भी एक दिन नेशनल चैंपियनशिप जीत करके कोई लड़का है, मुझे उसका स्वागत करने का अवसर इसलिए विशेष रूप से मैं भाई इंद्रजीत जी और जावेद भाई को पूरे छिंदवाड़ा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वे हमारे छिंदवाड़ा में इतने सुंदर और योग्य खिलाड़ी तैयार करना है। जो निश्चित में भारत ही नहीं पूर्णता जीवित है। देखा था अगर हम दो वर्षों में देखें छिंदवाड़ा में जो खेल का प्रभाव था वो कोविड के कारण कम हुआ, लेकिन मैं अभी वैसा से बात कर रहा था कोविड जैसा ही नीचे थोड़ा सा काम हुआ। देखो नेहा, पायल, कांची, तरुण, हाँ ये लोग भैया तरुण है, तरुण अक्षत, आदित्य, प्रयास, मतन, अक्षत, ये सब होनार के खड़े हैं, हम लोग इनको छाट छाट के अभी आदित्य आदित्य आ गया, आदित्य प्रयास तालियां बजाते रहे भाई, मतन आ गया, मतन सर संत आशाराम गुरुकुल के सदस्यों ने आज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के सामने लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए छाछ का वितरण किया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में आशाराम गुरुकुल के सदस्य रविवार को छाछ वितरण का कार्य करते हैं। इस बार तो कम लाए ना, मैं सही बात था, शक्कर जाने लगेगी, शक्कर बचाने के लिए कम लाए, हर बार तो 100 लीटर साथ आता है, 100 लीटर आएगा तो समझो 50-60 लीटर पानी मिलाएंगे, पूरा पी लेगी, अप्रोक्सीमेट 200 लीटर मान लो, 200 लीटर के साथ क्लास कुछ संत श्री आश्रम जी बापू की प्रेरणा से हम प्रतिवर्ष गरीबों को, गुरुओं को और अन्य लोगों को, जरूरतमंदों को छाछ का वितरण करते हैं। यह छाछ एक आयुर्वेदिक औषधि है, इसके पीने से गर्मी से राहत मिलती है, पेट के बहुत सारे रोग भी होते हैं और बहुत सारी अन्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसलिए कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने उसे गाइडलाइन का पालन करते हुए बताया छाछ वितरण शुरू किया, सभी आए और इसका फायदा भी मिला। लगभग कितनी छाछ बांटी जा रही है? 1200 लोग लाभ लेते हैं, आज तो पहला दिन है और हर रविवार ये बढ़ गई, टोटल एवरेज मिलाया तो 3000-4000 लोग प्रतिशतता लाभ लेते हैं, 3000-4000। कलेक्ट्रेट कार्यालय में गेट पर लगा हुआ बड़ा सा मधुमक्खी का छाता अब कर्मचारियों के लिए भय का कारण बनता जा रहा है। मधुमक्खी के इस छत्ते से टूट टूट कर छाता जमीन पर गिर रहा है, ऐसे में कर्मचारियों पर मधुमक्खी के हमले का खतरा मंडरा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में यहां कर्मचारियों व अन्य लोगों का आना जाना लगा रहता है, अगर ऐसे में किसी दिन ये मधुमक्खी भिनक गई
तो लोगों को इनसे कौन बचाएगा? समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों को इस परेशानी का हल निकालना जरूरी है, नहीं तो किसी भी दिन इन मधुमक्खियों से दो चार होना पड़ सकता है। स्वच्छता व लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए नगर निगम ने मंदिरों में भगवान को अर्पित किए जाने वाले पुष्प व फूलमालाओं को एकत्रीकरण के लिए विशेष पुष्प वाहन की शुरुआत की है, जो प्रतिदिन मंदिरों से निकलने वाली पूजन सामग्री को एकत्रित कर टाउन हॉल में जैविक खाद बनाने हेतु संग्रहित करेगा। ये विशेष पुष्प वाहन मंदिरों में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर चुका है। अनगढ़ हनुमान मंदिर में बाल ब्रह्मचारी पंडित नागेंद्र जी महाराज के सानिध्य में होलिका उत्सव के अंतर्गत 5 घंटे का सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आई भजन मंडलियों ने सुंदर भजन गाकर भगवान के साथ होली खेली और सभी को पर्व की बधाई दी। अपने देश में होली के उत्सव में कई प्रकार के रंग रंगे कार्यक्रम होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से होली का उत्सव होता है, गांव के लोगों में कोरोना के कारण बहुत भय बना हुआ था, तो इसलिए होली उत्सव में उन सब ग्रामीण के लोगों को बुला करके और भगवान के साथ यहां होली का उत्सव हो रहा है। तो आदिवासी क्षेत्र में वनवासी क्षेत्र में जिस प्रकार से होली का उत्सव मनाया जाता है, वो सब कार्यक्रम यहाँ पर अलग अलग मंडल आए हुए हैं, इनके द्वारा भंडारा का और यहाँ पर सप्ताह का कार्यक्रम किया गया 5 घंटे के तक। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिला कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान दिवस मनाते हुए निकाली तिरंगा यात्रा। 20 मार्च को हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया था पद से इस्तीफा।
नवनियुक्त युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष अनुज मल्होत्रा ने निकाली आभार रैली। भाजपा जिला अध्यक्ष का पुष्पमाला पहनाकर जताया आभार। सहज योग की प्रणेता माताजी निर्मला देवी के जन्मोत्सव के अवसर पर जारी है 3 दिवसीय सहजयोग महोत्सव। देश भर से आए सहजयोगी। और रंगपंचमी महोत्सव के भव्यता प्रदान करने शुरू हुई तैयारियां। 22 मार्च को राम मंदिर में पूजन अर्चन के बाद निकलेगी गैर। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।